हेलो दोस्त, कल हम लोगों ने बात किया था ग्रुप डी की सैलरी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन आने लगा लेवल 6, लेवल 5, 4, 3, 2 का क्या सैलरी होगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें वेरिएशन हो सकता है, कहीं कुछ अनाउंस अलग मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, किसी का सैलरी अगले मंथ कुछ और बनता है, क्योंकि रेलवे में वेरिएशन होता है, कोई फिक्स पे नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटी अनाउंस वगैरह वेरिएशन होते जाते हैं, तो उसकी तो नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये आपको वादा करते हैं कि सारा पोस्ट को कवर करेंगे लगभग, जिसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और जूनियर टाइम कीपर, सबका लेवल अलग अलग है। यहाँ पे मैंने जितने एनटीपीसी के 14 नाम आते हैं, 14 नाम को हमने एक दूसरे को इधर उधर करके सारा रिख रखा है, और इसको समझने के लिए हमने एक्सेल शीट बनाया है। एक्सेल शीट इसलिए बनाया है कि समझ में आ जाए, क्योंकि हम जब फार्मूला बनती है तो फार्मूला में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक अनाउंस परसेंटेज में मिलता है, इसलिए एक्सेल शीट की ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 का, जिसमें 3 पोस्ट आएगा। स्टेशन मास्टर, जो हॉर्न सिग्नल दे रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर सिग्नल दे दिए हैं ड्राइवर को कि ड्राइवर स्टार्ट कीजिए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और सीनियर टाइम कीपर, ये 3 पोस्ट लेवल 6 में आते हैं। और ये तीनों को आगे बात कर रहे हैं तीनों की सैलरी की। बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे लेवल 6 का, मोटा मोटी यहाँ बात करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, और हो सकता है डीए चेंज हो जाए तो कुछ और हो जाएगा, तो मोटा मोटी ओवरव्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सैलरी उस समय की है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, और इन हैंड कितना मिलेगा उसकी बात करेंगे हम। बाद में प्रमोशन होते ही हर चीज़ इंक्रीज होते रहता है, जुड़ते रहता है, हर चीज़ बढ़ता ही है, घटता कम है, हो सकता है गवर्नमेंट घटा दे, लेकिन जनरली घटता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं बेसिक पे का। तो 35,400 और लेवल 6 तो सब लोग जान ही रहे, नीचे लिखा हुआ ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। डीए 38% अभी है, 1 जुलाई 2022 से लागू है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 13,452 बनता है। ये चारे क्लास एक सिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वाई सिटी में कम होता है और जेड में तो बिल्कुल और कम हो जाता है, तो हम एक सिटी की बात कर रहे हैं। ये चारे अभी 27% है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 9558 होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कुछ लोग इसको सही से हम भी नहीं जान पाते हैं, या कई लोग भी नहीं जान पाते, लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि लेवल 3 से लेके लेवल 8 तक की जो भी पोस्ट है रेलवे में, सबके लिए रूल एक ही है, एक बड़ा सिटी और एक स्मॉल सिटी। बड़ा सिटी में आपको 3600 प्लस में इसका परसेंटेज में मिलता है डीए के टर्म में कन्वर्ट करके, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लिया हूँ। फार्मूला जनरली ये होता है, लिख लीजिएगा, ए प्लस ए गुना डी डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट बंद, ये फार्मूला होता है, इसको हमने एक जगह लगा के यहाँ पे लिख दे दिया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 5968 रुपये मिलेगा, आरएस में है सारे पैसे, डॉलर में नहीं समझ ले, डॉलर का रेट भारत के रुपये के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, यानी रुपया गिरता जा रहा है। नाइट ड्यूटी स्टेशन मास्टर में कंपलसरी होता है, 24 घंटा ड्यूटी होता है, तो कहीं भी अगर आप पोस्टेड रहेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी मिलेगा। कमर्शियल अप्रेंटिस में पता नहीं, और सीनियर टाइम कीपर में भी कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है, ये छोटे पोस्ट है, तो हम स्टेशन मास्टर कर लेके कर चल रहे हैं, तो 3200-3500-4000 तक भी नाइट ड्यूटी आती है, कई लोगों का 4500 भी मैंने देखा है, तो ऐसा भी आता है। NHGH 2000 तो मिनिमम माना है, मतलब हो सकता है वो 3000-4000 तक भी, 5000 तक भी जाती है लोगों का, जैसा उस महीने त्यौहार है, यानी जितने जीएच उस महीने पड़ गए, जैसे अभी दिवाली आ गई और उसी में और त्यौहार जुड़ गया, यानी एक महीने में 2-3 हो जाता है तो बढ़ जाता है। उसके बाद आपका इसको अगर जोड़ दे, मोटा मोटी अनाउंस है ये सारे, अगर जोड़ देंगे तो 68578 बनती है, लेकिन सरकार आपको छोड़ती नहीं है, आपसे NPS के लिए भी लेती है 10%, तो 1920 रुपये NPS घटेगा। 500 मिसलेनियस है, क्वार्टर वगैरह नहीं लिए है तब की कैलकुलेशन है, ये चारे क्वार्टर लेने पे हट जाएगी आपकी। 3500 के आसपास इनकम टैक्स कटना शुरू हो जाता है स्टेशन मास्टर लेवल 6 में शुरुआत में, बाद में बढ़ के ये आपका इनकम टैक्स हो सकता है 5000-6000 भी,
पर मंथ में चला जाए, ये भी आपको एक जोड़ के रखना चाहिए, लेकिन अभी तो 3500। तो इन एलईडी की बात करेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 6100। अब सवाल आपके मन में आएगा कि गुड गार्ड्स और एसएल में सैलरी किसका ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा गुड गार्ड्स का होता है थोड़े दिनों बाद, शुरुआत में होता है स्टेशन मास्टर का, यानी इन हैंड सैलरी गुड गार्ड्स का ज़्यादा होता है, बाद में जैसे ही सीनियरिटी बढ़ती है रनिंग मैनेजर्स का अलाउंस का वैल्यू बढ़ता है और ज़्यादा ट्रेन चलाना पड़ता है तब। उसके बाद दूसरा हमारा पोस्ट लेवल 5 का पोस्ट है। लेवल 5 में देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं ग्राफ में भी दिखा दूंगा एक बार में, ग्राफ समझने के लिए है कि सब में लगभग 50-52% आपका बेसिक का रोल होता है, 50-50, कहीं 52, कहीं 55, कहीं 56, कहीं कुछ। उसके बाद ये 14% आपका 9-5 GH और NDA वगैरह अलग अलग। तो लेवल 5 में देखिए सबसे बढ़िया पोस्ट गुड गार्ड्स, पैसे कमाना है, लाइफ थोड़ी बर्बाद है लेकिन पैसा खूब है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क वाला है आपका, फिर उससे टाइपिस्ट वाला है और जूनियर JJCT टाइपिस्ट वाला है, दो टाइपिस्ट वाला पोस्ट और दो आपका नॉन टाइपिस्ट वाला पोस्ट लेवल 5 में, यानी टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है और चारों पोस्ट के बेसिक लेवल 5 ही है, तो सबका बेसिक तो एक ही मिलता है, कोई अंतर नहीं है। तो बेसिक कितना मिलता है तो आप बेसिक यहाँ देखेंगे 29,200, इस पे 38% DA, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, 1196। ये चारे अगर एक सिटी में रहते हैं और क्वार्टर नहीं ले रखे हैं तब 7884। उसके बाद 49-68 आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और उसमें आप देखेंगे तो नाइट ड्यूटी गुड गार्ड्स का तो कंपलसरी है, GHOS भी कंपलसरी है, लेकिन बाकी लोगों का ये टाइपिस्ट वगैरह वाला में शायद इतनी ज़्यादा नहीं रहती, रहती है लेकिन कम रहती है। उसके बाद एक गुड गार्ड्स में एक बेनिफिट है, जो आपको रनिंग अलाउंस मिलता है शायद अभी 112 रुपये पर 100 किलोमीटर के हिसाब से गुड गार्ड को मिलता है इन हैंड जो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्रमोट होते हैं उसके बाद बढ़ते जाते हैं, और हो सकता है ये रिवीजन भी होते रहता है, कई बार तो इससे ज़्यादा ही हो जाता है, जैसे रेलवे में तो 2.9 पर किलोमीटर के हिसाब से भी है कई सारे ड्राइवरों का जो सीनियर राजधानी वगैरह का होते हैं, तो इस हिसाब से गुड गार्ड्स का भी चेंज होते रहता है। तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग के समय आपको वैल्यू परसेंटेज में कम रहती है तो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, तो मैं उसी के हिसाब से मैं मान लिया कि 3000 किलोमीटर आप चला लेंगे ट्रेन, हालांकि लोग चलाने वाले बहुत चलाते हैं, छोड़ दीजिए उसकी बात, तो टोटल देखेंगे 61,708 है। उसके बाद आपका इनकम NPS में 2920 कटेगा, उसके बाद आपका 500-600 रुपये मिसलेनियस हर महीने कटना ही कटना है, और इनकम टैक्स करीब करीब 3000। तो इन हैंड अगर गुड गार्ड्स की बात करेंगे तो 55,288, उसमें से जो टाइपिंग टेस्ट वाले और या कमर्शियल वाले हैं इसमें कम से कम 2000 से 3000 माइनस कर लीजिएगा, यानी 51 से लेकर 53-54 के रेंज रहेगा आपका ये टाइपिंग वाला का और गुड गार्ड वाला का, 2-3 हज़ार शुरुआत में ज़्यादा मिलते हैं। चलिए उसके बाद आपके पास लेवल 4 की पोस्ट आएगी, तो चलिए लेवल 4 वाला देखते हैं। इसके बाद में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है क्योंकि ट्रैफिक अप्रेंटिस सब रह गया है कोलकाता मेट्रो वगैरह में ही, कुछ लिमिटेड जगहों पर रह गया है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बेसिक की बात करेंगे तो आपको 25,500 के आसपास आपको बेसिक पे, उसके बाद DA 9,690, उसके बाद HRA की बात करेंगे तो आपको 6,885, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,968, मोटा मोटी बाकी चीज़ें छोड़ दे तो करीब करीब ग्रॉस सैलरी 50 के पास पूछता है, और कटने के बाद इनकम टैक्स वगैरह कटने NPS कटने के बाद करीब करीब 45 से 47 हज़ार के रेंज में आपको सैलरी एट ज्वाइनिंग में मिलेगा। उसके बाद लेवल 3 की बात करेंगे तो लेवल 3 में एक ही पोस्ट है CCT, तो इसकी लेवल 3 में कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होता, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से है, और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे से मिलता है क्या पैसा, और नीचे मतलब समझते हैं लोग कह रहे हैं टेबल के नीचे से, तो देखिए ये सब चीज़ें पर मुझे विश्वास नहीं है, क्या होता है क्या होता है और मिलता जुलता क्या है, वो प्राकृतिक का नियम है या अपना बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वो बात की बात करेंगे, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं जो रेलवे देती है उसके बारे में। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लेवल 3 में तो 21,700 बेसिक है, और ध्यान दीजिएगा लेवल 3 में जो ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस होती है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस लिए दिया जाता है कुछ लोग ये भी पूछेंगे, तो हेड क्वार्टर से आपको
अपने घर तक जाने के लिए और वो डिस्टेंस मिनिमम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो उसके लिए टीए मिलता है। बस यही है कॉन्सेप्ट टीए का, यानी ऑफिसर लोगों को कार मिलती है और नॉन ऑफिसर जिनके पास कोई कन्वेंस नहीं है तो आपको पेट्रोल फूकने के लिए अपनी गाड़ी में या किसी ऑटो में जाते हैं तो उनको किराया देने के लिए पैसे मिलती है, या बस से जाते हैं या किसी में जाते हैं उसके लिए है। तो चलिए बेसिक पे की बात करेंगे तो 21,700 है डीए, वही 8,246 होगा, 38% सबके लिए है, इसमें कोई पार्स अलग अलग नहीं है। ये चारे देखिए 5,859 और ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस 5,000 के आसपास। उसके बाद आपका नाइट ड्यूटी वगैरह ये सब थोड़ा कम है और इसमें कोई पता नहीं है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसको मार्जिनल लेके चलेंगे तो इसमें आप मान लीजिए 50-50 वाला चांस है। तो करीब करीब ग्रॉस सैलरी 44,000 के आसपास बनेगी, एनपीएस वगैरह वगैरह कटने के बाद आपके पास 40,000 से 41,000 के बीच में आपका सैलरी बन सकता है। उसके बाद लेवल 3 से लेवल 2 में डायरेक्ट बहुत कमी आ जाती है और कमी आने का कारण बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए जनरली इसमें आप देखेंगे बेसिक जो है 19,900 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टीए में जहाँ पे वहाँ पे बड़े सिटियों में 3600 टीए पे कैलकुलेशन ए की वैल्यू रखी जाती है, जो हमने अभी फार्मूला बात किया था ए प्लस ए गुना डी डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट में, वहाँ पे ए के वैल्यू यहाँ पे 3600 होता है, लेकिन लेवल 2 में ही जैसे ही आते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है 1350 के आसपास, तो ये वैल्यू कम हो जाता है एकदम बिल्कुल डायरेक्टली, जिससे 3-4 हज़ार का तो डायरेक्ट अंतर यहीं पे पड़ जाता है। तो वही यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1833 और करीब 1800 के आसपास ही मिलता है ग्रुप डी के ए आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये अंतर है दोनों में। यहाँ पे अगर बच्चे करें हाउस रेंज की तो 5,373 बन रहा है और एक रूल भी है 5,400 प्लस कुछ मिलना मिनिमम जरूरी है एक्स क्लास के सिटी में, तो ये लगभग वही के आसपास पहुँचता है तो आप इसको मान के चलेंगे। नाइट ड्यूटी वगैरह वगैरह हमें नहीं लगता है यहाँ पे ज़्यादा होता होगा, जूनियर टाइम कीपर में कभी कभी होती होगी क्योंकि कई जगह जैसे आपका व्हील फैक्ट्री है वगैरह वगैरह वहाँ ड्यूटी रहती है तो वहाँ पे लगती है और कई जगहों पे नहीं भी लग सकती है, तो कम के कम मान के चलेंगे। तो मिनिमम यहाँ तक देखिएगा तो ग्रुप डी से 2-3 हज़ार के आसपास अंतर पड़ता है इसमें, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 का बेसिक में बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पे ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस लगभग बराबर होती है। हाँ अगर आपको कोई जैसे अब कोई उसमें है इंसेंटिव मिलता है कई जगह पे, अगर आपकी पोस्टिंग वगैरह किसमें है जैसे वर्कशॉप में है वहाँ इंसेंटिव मिलता है, वो सब अलग चीज़ है। इसके अलावा भी आपको स्कूल चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस वगैरह वो सब अलग चीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी भी कई जगह मिलती है, कई जगह अलग अलग चीज़ है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल फैसिलिटी को तो कन्वेंस में ही जोड़ देती है, वो सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के कहें तो यहाँ 32। अब ऊपर भी बात कर ले तो 32, अब एक रफ आइडिया ले ले तो 32 के आपका मिल गया लेवल 2 का। लेवल 3 में जाते हैं तो 40 के प्लस हो जाता है, लेवल 4 में जाते हैं तो आपको 45 प्लस हो जाता है यानी 47, लेवल 5 में जाते हैं तो आपका सैलरी 50-55 के रेंज में चली जाती है और लेवल 6 में जाते हैं तो 60 के रेंज में चली जाती है। यानी सिंपल सी बात करूं लेवल 6 में तो 60, लेवल 5 में गए तो 55, यहाँ से लिख लीजिएगा यहाँ 5, लेवल 4 में गए तो 45 प्लस, लेवल 3 में गए तो 40 प्लस और लेवल 2 में गए तो 33 प्लस या 32 प्लस के आसपास का सैलरी है, यानी सीधा लेवल 2 से लेवल 6 जाने में सीधा दुगना का अंतर है। तो कुछ लोग कहते हैं लेवल 6 छोड़ के लेवल 2 में क्यों जाऊं, तो कई लोग पोस्ट प्रायोरिटी भी गलत दिए हैं, तो रेलवे कह रहा है कि मैं लेवल 6 पहले दूंगा, अंडरटेकिंग दे दीजिए। तो ये बस रेलवे के पास कोई चारा नहीं है केवल पैसा दिखा के लोगों से अंडरटेकिंग लेने के अलावा, इसलिए सिंपल सी बात अभी जो एनटीपीसी 2019 में बात हो रहा है तो लेवल 6 में पैसा दिखा दे, अंडरटेकिंग आप दे दीजिए कि मैं सबसे अच्छा आपको पोस्ट दे रहा हूँ, और है भी अच्छा पोस्ट भी है पैसे के मामले में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इशू है कि पोस्ट प्रायोरिटी लोगों का कोई और है, मेडिकल अलग है, च्वाइस अलग है, आगे की एजुकेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, वो सब चीज़ें सूट नहीं करता केवल पैसे से। थैंक यू, धन्यवाद।